Yes, good morning everyone. Here this is Jyoti Mathur, your EVS teacher. Here going to study you about the different topics of our EVS. Today we will learn about the very first chapter, our body. जिसमें हम हमारी body के बारे में, हमारे शरीर के बारे में हम पढ़ेंगे. In the previous class, in lesson, in class one also, you have studied about the body, but इसमें हम थोड़ा इंटरनली पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स को हम और एक्सप्लेन करते हुए आपको बताएंगे. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आर बॉडी. आर बॉडी इज लाइक अ मशीन. एज यू ऑल नो व्हाट इज मशीन. मशीन वो चीज़ होती है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और एक पर्टिकुलर काम वो करती है, और हर डिफरेंट पार्ट का एक पर्टिकुलर काम होता है. इसका मतलब मशीन के सारे पार्ट्स का बराबर काम करना बहुत ज़रूरी है. अगर मशीन का कोई भी एक पार्ट खराब हो जाता है तो वो मशीन प्रॉपरली काम नहीं कर सकती. आर बॉडी हैज़ पार्ट्स. हमारे बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ईच बॉडी पार्ट हैज़ डिफरेंट जॉब, और हर बॉडी पार्ट का डिफरेंट जॉब होता है. जैसे कि आपकी आईज, दैट हेल्प्स अस टू सी. हमारी आँखें देखने का काम करती है. नोज से आप स्मेल करते हो, हाथ से आप लिखते हो, पकड़ते हो, पैर से आप चलते हो. इस टाइप से डिफरेंट काम होते हैं. सो सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं और उनका काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे. आर बॉडी हैज़ टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स. हमारी बॉडी के दो तरह के पार्ट्स होते हैं. द नंबर वन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड नंबर टू इंटरनल बॉडी पार्ट्स. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एज द नेम सजेस्ट, बाहर. एक्सटर्नल मतलब बाहर और इंटरनल मतलब अंदर. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, द पार्ट्स विच वी कैन सी, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं. हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम बाहर से इजीली देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ईयर्स, आईज, नोज, लेग्स एक्सेट्रा. ये सारी बॉडी पार्ट्स हम बाहर से देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज इंटरनल बॉडी पार्ट्स, द पार्ट्स विच वी कैन नॉट सी. ऐसे बॉडी पार्ट्स जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए उन्हें हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल ब्रेन, जैसे हमारा दिमाग, हार्ट हमारा दिल, लंग्स हमारे फेफड़े, ऐसे और भी हैं जैसे किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. वो आप आगे और क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में. नाउ सेंस ऑर्गन्स. आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड इन क्लास टू और नॉट. सेंस ऑर्गन्स, देर आर टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स इन आर बॉडी. सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमें हमारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं. हम इससे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. ऐसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. यू हैव टू लर्न दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग. नाउ वी विल स्टडी दीज सेंस ऑर्गन्स इन डिटेल. नंबर वन इज आईज. आईज हेल्प्स अस टू सी. हमारी आँखें जो हैं वो देखने का काम करती है. आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स एंड कलर्स थ्रू आर आईज. हमारी आईज से हम अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई, उनको पहचान सकते हैं, और डिफरेंट कलर्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर एज यू ऑल नो दैट द ब्लाइंड पीपल, जो अंधे हैं, क्या वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये ऑरेंज कलर है या रेड कलर है, या ये चीज़ छोटी है या ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ दूर है या पास है? नहीं, बिकॉज दे आर ब्लाइंड. उनकी आँखें वर्किंग कंडीशन में नहीं है. लेकिन हमारी जो आईज हैं उनसे हम हर चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. क्या चीज़ें दूर है, क्या पास है, क्या छोटी है, क्या बड़ी है, ठीक है, हम हर चीज़ देख सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज ईयर्स. ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स. मेन फंक्शन ऑफ द ईयर इज टू हियर. हियर मतलब सुनना. हमारे ईयर्स जो हैं, वी कैन एंजॉय द मेलोडियस म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ आर ईयर्स. हम डिफरेंट टाइप के साउंड्स एंड म्यूजिक जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं हमारे ईयर से. जो लोग डेफ पीपल हैं, डेफ मतलब जो लोग
बहरे लोग हैं या जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, जिनके ईयर्स जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो इजीली किसी भी साउंड को नहीं सुन सकते हैं, डिफरेंट साउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. नाउ वी विल प्रोसीड टू द थर्ड सेंस ऑर्गन, दैट इज आवर नोज. नोज हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग एंड स्मेलिंग. नोज से हम ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, एंड स्मेलिंग मतलब सूंघना. हम डिफरेंट गुड स्मेल्स एंड बैड स्मेल्स हम दोनों ही सूंघ सकते हैं. और ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, हम हमारे नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. तो ये प्रोसेस जो है हम हमारे नोज से करते हैं. ओके, थ्रू नोज वी कैन स्मेल डिफरेंट फ्रेग्रेंस ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड डिफरेंट डिशेज. जो आपकी मम्मी इतना टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है, उसकी खुशबू आपको कैसे आती है? थ्रू नोज. ओके, हम डिफरेंट फ्लावर्स, किसी का रोज फेवरेट है, किसी के लिलीज फेवरेट हैं, तो इन सब की क्योंकि स्मेल इतनी अच्छी है, और वो स्मेल हम किससे लेते हैं? हमारी नोज से. ओके, नाउ द फोर्थ सेंस ऑर्गन इज स्किन. इट इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को स्किन कवर करती है, इसलिए सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन जो है वो है स्किन. इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी पे स्किन नहीं होती तो आप सोचिए, ठंड में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती, हमारे ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट करता? तो इसलिए हमारी स्किन जो है वो कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू फील हॉट एंड कोल्ड थिंग्स. अगर आपको गर्म चाय का कप आपके हाथ में देते हैं तो आपको बहुत गर्म फील होता है, या आइस अगर आपको हाथ में पकड़ा देते हैं तो बहुत ठंडा फील होता है, बिकॉज ऑफ आर स्किन. बिकॉज ऑफ आर स्किन वी कैन फील ईच एंड एवरी थिंग. द स्मूथ एंड रफ सरफेस. जब आप किसी स्मूथ सरफेस को आप टच करते हो, जैसे सोप जो बहुत स्मूथ होता है, ओके, एंड रफ, जैसे कोई भी जो रफ सरफेस है अगर आप उसको टच करोगे तो वी कैन डिफरेंशिएट दैम, क्योंकि हमारी स्किन हमें कैपेबल करती है कि हम चीज़ों को स्मूथ और रफ में डिफरेंशिएट कर सकें. एंड द लास्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. अब हम टंग के बारे में पढ़ेंगे. टंग मतलब हमारी जीभ. ये हमारे माउथ के इनसाइड होती है. हमारे माउथ में टीथ होते हैं और टंग होती हैं. टीथ जो है हमें च्यू करने में हेल्प करते हैं, खाने को मतलब चबाने में हेल्प करते हैं, और हमारी टंग जो है वो टेस्ट करने में हेल्प करती है. हम डिफरेंट टेस्ट, कितने तरह के टेस्ट होते हैं? सॉल्ट, सॉल्टी, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, एंड सॉर मतलब खट्टा. ये जो टेस्ट हैं वो हमारी टंग से हमें पता चलते हैं. अगर हम नीचे देखें तो ये देखिए, पांचों तरीके के मैंने सेंस ऑर्गन्स को ड्रॉ कर रखा है. आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, जो जैसे लेग पे मैंने शो कर रखी है, ऊपर स्किन होती है, वैसे सारे बॉडी पार्ट्स पे स्किन होती है, एंड द लास्ट वन इज टंग. सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आर बॉडी, दैट आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, दो बॉडी पार्ट्स, और हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा. अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें कुछ बॉडी पार्ट्स का और एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि आर्म्स, लेग्स, माउथ, हेड एंड हेयर, एंड वी विल स्टडी दीज इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू सो मच.